नमस्ते, सदा वसली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, लद्दाख में चीन के साथ पिछले दो सालों से जारी तनाव के बीच भारत ने स्पाइक मिसाइल को तैनात कर दिया है। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो किसी भी टैंक या बख्तरबंद वाहन को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकती है। यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि इसे बस निशाना साधकर दागना होता है। लक्ष्य का पीछा कर बाकी का काम ये खुद करती है। इसी कारण स्पाइक को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कई तरीके के लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। स्पाइक को कंधे पर रखे लॉन्चर्स, हेलीकॉप्टर्स और टॉर्पीडो से भी दागा जा सकता है। इतना ही नहीं, इसे सेना के टैंक पर भी फिट किया जा सकता है। इस मिसाइल को हाल ही में लद्दाख में हुए एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान सैनिकों के कंधे पर देखा गया। एंटी टैंक मिसाइलों की ताकत दुनिया ने रूस यूक्रेन युद्ध में देखी, जहां अमेरिका से मिले जैवलिन मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया था। स्पाइक को जैवलिन से भी खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल कहा जाता है। स्पाइक एक इजरायली फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और एंटी पर्सनल मिसाइल है। इसमें टैंडम चार्ज हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड लगा हुआ है। इसे इजरायल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया है और डिजाइन किया है। ये मैन पोर्टेबल, व्हीकल लॉन्च और हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट में उपलब्ध है। इसके लॉन्चर्स एक बार टारगेट को नजर से देखने फायर एंड फॉरगेट तकनीक के जरिए उसे लॉक कर देते हैं और इसके कुछ वेरिएंट्स अपने लक्ष्य पर ऊपर से हमला करते हैं, जो किसी भी टैंक का सबसे कमजोर क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि टैंक के चारों तरफ रिएक्टिव आर्मर की प्लेट लगी होती है जो मिसाइल हमले के दौरान फटक कर उसके प्रभाव को कम कर देती है। ऐसे में ऊपर की तरफ से हमला कर स्पाइक मिसाइल टैंक को जबरदस्त नुकसान पहुंचाती है। इतना ही नहीं, इसका वेरिएंट ऐसा भी है जिसे दागने के बाद उसके लक्ष्य को बदला जा सकता है। मिसाइल एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर से लैस है। स्पाइक मिसाइल को बनाने वाली इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के मुताबिक दुनिया भर के 29 देशों ने इस सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट खरीदे हैं। भारतीय वायुसेना इसमें से स्पाइक NLOS वेरिएंट खरीद रही है। NLOS स्पाइक फैमिली का सबसे एडवांस वेरिएंट है। इसका मतलब है नॉन लाइन ऑफ साइट, जो कि लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमता को दर्शाता है। भारत के द्वारा ली जाने वाली स्पाइक की क्षमता 32 किलोमीटर है, जो कि अमेरिका की AGM-114 हेलफायर मिसाइल से लगभग 4 गुना है, जिसे अपाचे हेलीकॉप्टर में तैनात किया गया। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत स्पाइक NLOS को अपने देश में बना सकता है। स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इस समय सीमित संख्या में ऑर्डर किया गया है। बाद में मेक इन इंडिया के तहत इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। हवा से फायर होने वाले स्पाइक NLOS जैमिंग और बाकी गतिरोध को खुद ब खुद दूर कर दुश्मन के जमीनी ठिकानों, उनकी टैंक रेजिमेंट, आर्मर्ड व्हीकल्स को निशाना बना सकता है। इससे दुश्मनों के टैंकों के आगे बढ़ने की गति काफी धीमी हो जाती है। दरअसल भारत ने अमेरिका की जेवलिन को छोड़कर स्पाइक को चुना है। ऐसा क्यों, ये भी जानना जरूरी है। भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद करना चाहता था। 2011 में भारत के पास दो विकल्प थे। इनमें से पहली अमेरिका में बना FGM-148 जैवलिन मिसाइल और दूसरी थी स्पाइक NLOS। भारत ने स्पाइक को इसलिए चुना क्योंकि इजरायली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मिसाइलों का घरेलू निर्माण करने के लिए तैयार था और भारत सरकार की मेड इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है। इन मिसाइलों की एकमुश्त खरीद के बजाय भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इसराइल के साथ बातचीत की, ताकि भारत में मिसाइलों का उत्पादन किया जा सके। इसराइल ने भारत में कल्याणी के साथ मिलकर कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम के नाम से जॉइंट वेंचर को स्थापित किया। ऐसे में इस मिसाइल का निर्माण आसानी से भारत में किया जा सकता है। अमेरिका की जेवलिन मिसाइल दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक को नष्ट करने में सक्षम है। ये मिसाइल दो बार में अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। पहली बार में मिसाइल टैंक के संपर्क में आता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद ये और अधिक शक्ति के साथ कवच भेदने का काम करता है। जेवलिन मिसाइल किसी भी आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक और बंकरों को उड़ाने में सक्षम होती है। इसे किसी भी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट जैसे कि हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया जा सकता है। जेवलिन मिसाइलें भी मैन पोर्टेबल हैं, जिन्हें यूक्रेनी सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं, जबकि अन्य एंटी टैंक सिस्टम का इस्तेमाल उसके लिए ट्राईपॉड की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि स्पाइक मिसाइल कितनी खतरनाक है। भारत ने लद्दाख में इसे तैनात करके चीन को भी साफ तौर पर सबक दे दिया है कि हम दुनिया का सबसे अच्छा हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और चीन अगर कोई भी हरकत ऐसी करता है तो उसका जवाब भारत अपने अत्याधुनिक हथियारों से देगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता है वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।